हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसाजे मैथमेटिक्स में। मेरे जितने भी भाई बहन नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो जो है इस क्लास को पूरा देखे, वीडियो को स्किप ना करें, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूले। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले अपने क्लास जो 12th है उसके चैप्टर 7.1 के लास्ट के जो तीन सवाल बचे हुए हैं, 20, 21 और 22, इन तीनों सवालों को आज की क्लास में अपन सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो मित्रों, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ, और अगर आपको बिना किसी दुविधा के साथ पूरा कोर्स जो है बड़े इजी और आसान वाले तरीके से पढ़ना है, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब ना भी करो तो भी चलेगा, आप चैनल का नाम याद रखें और जो भी आपको क्लास देखनी है वो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष तौर पर 9th और 10th का जल्दी चल रहा है, 12th का थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। प्रश्न है अपना 20वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। बीसवा प्रश्न दे रखा बच्चों, 2 - 3 sin x, नीचे दे रखा भाई cos² x और dx दे रखा। ये अपना सवाल है, अब इसको सोल्व करना अपने को, ठीक है ना। तो सोल्व करना तो भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते। कैसे करेंगे सर? तो ये जो cos² नीचे चल रहा है ना, इसको दोनों के नीचे लिख देते हैं अलग अलग, 2/cos²x माइनस 3 sin x, और बटे में क्या आ जाएगा, cos² x और dx। कोई दिक्कत है क्या भाई? जो नीचे cos² चल रहा था ना, इसको अपन ने दो के नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी अलग अलग लिख दिया, इंटीग्रेशन भी अलग लगा देते और अलग सेट कर लेते। इसको कैसे देखना, 2/cos² x dx, फिर माइनस 3 sin x बटे में cos² x, और क्या कर ले बच्चों, dx कर ले। कोई दिक्कत है नहीं है भाई, dx को और इंटीग्रेशन को भी सबके साथ में अलग अलग अपन ने ट्रांसफर कर लिया। अब देखना आप ध्यान से, 2 को तो ले लेते हैं हम आगे, ऊपर 1/cos² कर लेता हूं मैं ऐसा, माइनस 3 को ले लेता हूं मैं बच्चों आगे, और इधर लिख देता हूं मैं sin x, और जो नीचे cos² चल रहा ना, इसको मैं कर लू cos x.cos x, और फिर dx। समझ में आ रहा ना भाई? 2 को तो ले लिया मैंने आगे, इंटीग्रेशन से बाहर आगे कुछ ना, तो 1 मान लिया, और बटे हम cos² dx, माइनस माइनस और इंटीग्रेशन ये लिखा, और 3 जो है एचर को आगे ले लिया साइन, और बटे हम cos² था, cos² तो मैंने cos.cos x कर लिया और dx कर लिया, ठीक है। अब देखना समझना आप ध्यान से, अपन क्या करने वाले हैं, 2 integration 1/cos x कहां पे लिखूं भाई मैं, प्रश्न तो मिल गया ना आपको, चलिए एक साइड में लिख देता हूं मैं, यहां पे बता दूं मैं आपको, 1/cos x जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है बच्चों, sec x का। 1/cos जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है मित्रों, तो sec x का फॉर्मूला होता है बच्चों, sec x का फॉर्मूला होता है। यहां पर देखो 1/cos तो है, पर इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, और जब 1/cos² स्क्वायर चल रहा है तो हम क्या लिख देंगे, sec² x dx माइनस। अब ऐसा क्यों किया, 2 का तो 2, 1/cos x का फॉर्मूला था sec x, अगर cos का स्क्वायर कर दूं तो sec में भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/cos² x का फॉर्मूला बन गया sec² x, और dx का dx, और माइनस का माइनस, और 3 का 3 कर लिया। फिर देखना साइन बटे वा कोस किसका फॉर्मूला होता बच्चों, tan x का। साइन बटेवा कोस किसका फॉर्मूला होता है, tan x का। इधर बनेगा कुछ नहीं है, तो यू समझो जैसे 1 है, तो 1/cos x क्या बनेगा बच्चों, sec x, और साथ में क्या चल रहा है, dx, यू समझो इंटू में 1 मान लिया यहां पे अपन, तो साइन बटेवा कोस तो बना बच्चों tan x बना, और 1/cos x क्या बना, sec x बना, ठीक है। ये अपने 10th वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं फिलहाल। देखना आप इसको थोड़ा सा और जमा दूं मैं, 2 sec² x dx, 3 integration sec x को आगे लिख दूं मैं, और इधर मैं लिख दूं tan x dx। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। अब आपको फॉर्मूले आते हो तो आंसर आ जाएंगे, 2
sec स्क्वायर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का होता है tan x, क्या होता बच्चों tan x, फिर माइनस ये माइनस 3 का ये 3 और sec x tan x क्या दे रखा बच्चों sec x tan x दे रखा है इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का फॉर्मूला होता है sec x और एचआर में क्या आ जाएगा प्लस का सी आ जाएगा। लीजिए एक बार इसको वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आपको क्लियर हो जाएगी। 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटेगा में कोस्क्वायर एक्स डीएक्स दे रखा है, तो कोस्क्वायर को अपन ने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया भाई, दोनों के नीचे अलग अलग लिखने के बाद 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स के साथ में, इसके साथ में डीएक्स और इंटीग्रेशन अलग लगा दिया, इसके साथ में भी अलग लगा दिया, 2 को आगे ले लिया, ऊपर कुछ नहीं है, वन मान के कोस्क्वायर कर दिया, डीएक्स कर लिया, माइनस का माइनस लिया, 3 को आगे ले लिया, साइन का साइन लिखा, बटेगा में कोस्क्वायर था कोस इंटू कोस कर लिया, इंटू में वन मान के डीएक्स कर लिया। ठीक है, अब कैसा, क्योंकि अभी पता चल गया आपको 2 का तो 2 1 बाई कोस एक्स का फॉर्मूला होता है sec x होता है, पर यहां पे 1 बाई कोस स्क्वायर चल रहा है, इसलिए यहां पर क्या आया बच्चों sec स्क्वायर आ गया, sec स्क्वायर x आ गया और dx माइनस माइनस 3 और sin बटा कोस क्या होता है बच्चों tan x होता है, और 1 बाई कोस एक्स क्या होता है बच्चों sec x होता है, और dx का क्या कर लिया अपन ने यहाँ पे dx चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक आपको? नहीं है भाई, आगे बढ़े, चलिए वापस आगे समझते हैं। 2 ये 2 sec स्क्वायर x dx वैसा वैसा ही लिखा, माइनस का माइनस वैसा ही लिखा, 3 का 3 वैसा ही लिखा अपन ने, sec x को कर लिया आगे और tan x को कहां कर लिया पीछे, और dx का dx। सर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि है ना sec x आगे होता फॉर्मूले में और tan x कहां होता बच्चों पीछे होता है, इसलिए अपन ने उसको क्या कर लिया आगे कर लिया। ठीक है, आगे समझे फिर अपन। आगे समझे भाई, चलिए दिख रहा ना सभी को, कंप्लीट। चलिए 2 का तो 2 कर लिया बच्चों, और sec स्क्वायर x dx जो इंटीग्रेशन में होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है tan x होता है, माइनस का माइनस कर लिया, 3 का 3 कर लिया, sec x tan x dx का फॉर्मूला क्या होता है sec x होता है, प्लस में आंसर क्या आ जाएगा c आ जाएगा, मामला इज खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फिर अगला जो प्रश्न दे रखा है, अब बात करते हैं अपन अपने 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या कहता है, इक्कीसवां प्रश्न लिखूं मैं यहां पे, इक्कीस व 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करने का मतलब बच्चों जैसे ये दे रखा है इसका प्रति अवकलज निकालना है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा मिलता है वो अपने को पता करना है। ठीक है, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, क्या होता है बच्चों समाकलन, प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है समाकलन होता है। अब इसका समाकलन निकाल लेते हैं अपन, तो ये लिखा मैंने रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, और ये क्या कर लिया डीएक्स, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निकाल लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा वही तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए अपन अलग अलग कर लेते हैं इसको, रूट एक्स डीएक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स डीएक्स, अलग अलग समाकलन लगा दिया। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है समाकलन, तो समाकलन लगा दिया डीएक्स कर लिया और अलग अलग चिन्ह ले लिया दोनों के साथ में, दोनों को अलग अलग कर लिया अपन। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1 बाई टू डीएक्स, रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई टू, माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 बाई टू डीएक्स। देखिएगा एक स्टेप और लेता हूं मैं यहां पे, x की पावर 1 बाई टू डीएक्स और माइनस, इसको ऊपर ले जाऊं मैं अगर तो x की पावर माइनस 1 बाई टू हो जाएगी बच्चों। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, जो 1 बाई टू पावर थी ऊपर जाने के बाद किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है, तो माइनस की हो गई। अब अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, आप सभी को वैसे पता भी है, चयन करना है, इसको मिटा दूं, ये प्रश्न भी है मिला लिया मैंने, इसको भी मिटा दिया मैंने,
इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन और बटेवा में भी एन प्लस वन और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन और नीचे भी वन बाई टू और प्लस वन, फिर माइनस ये माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन और नीचे भी माइनस वन बाई टू प्लस वन और प्लस का इंटीजर, प्लस का एचर क्या ले लेते हैं अपन, सी ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है भाई, आगे बढ़े। x की पावर n फॉर्मूला बना था तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन और नीचे भी n प्लस वन कर लिया, माइनस इधर भी x की पावर माइनस ये है तो वन n लिखे प्लस वन और ये n प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए n का मान ये है, कुल मिलाकर ध्यान रखना तो x की पावर n बने तो उसमें n के अंदर 1 जोड़ दो और इधर भी n के अंदर क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो x की पावर n प्लस 1 नीचे भी n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1। बच्चों आप सभी को पता होगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे अगर तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 बटे वा 2 और इधर भी हो जाएगी 3 बटे वा 2 और माइनस इधर सोल्व करेंगे अपन तो x की पावर आ जाएगी 1 बटे वा 2 और नीचे भी आ जाएगी 1 बटे वा 2 हो जाएगा साइन। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, प्लस का ये प्लस कर लेते हैं, तीन बटे वा दो उल्टा होके ऊपर चला जाएगा तो दो बटे वा क्या हो जाएगा बच्चों, तीन हो जाएगा और एक्स की पावर क्या आ जाएगी तीन बटे वा दो, माइनस इधर भी दो बटे वा एक ऊपर जाएगा दो ऊपर आ जाएगा, वन नीचे लिखना जरूरी नहीं है और प्लस का सी हो गया। चलिए ये सवाल हो चुका खत्म, ये अपन ने पहले पढ़ रखा वैसे अंडर रूट वाला सवाल इस टाइप का, एक्स की एक्स रूट में हो तो उसको पहले तो अपन ने क्या किया दोनों को अलग अलग लिख दिया भाई, और रूट में था उसको वन बाई टू कर लिया, पावर माइनस माइनस इधर भी वन बाई टू कर लिया, ये तो वैसा का वैसा ही लिखा, इधर वन बाई टू है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई, तो माइनस का कर दिया अपन ने। फिर इसके बाद में क्या किया कि यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बन रहा था उसका फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन आता है, तो एक्स की पावर एन एन प्लस वन कर दिया और नीचे भी एन प्लस वन कर दिया, माइनस का माइनस कर लिया, एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन प्लस वन और बटे में एन प्लस वन कर, और प्लस का क्या चल रहा है भाई सी चल रहा है। अब आगे सोल्व करें तो 1 बाई 2 को प्लस 1 में सोल्व करेंगे तो एलसीएम मेरे सभी प्यारे मित्रों को लेना आता है, अगर फिर भी आपको नहीं आता है इस टाइप के घातों को सोल्व करना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए एक अलग अवेलेबल पार्ट है इस टाइप का बिन्नो वाली जोड़ का, तो आप देख सकते हैं ठीक है, बाकी नॉर्मल है ये। तो इसका सोल्व किया अपने 3 बटे वा 2, नीचे भी 3 बटे वा 2, माइनस का माइनस, इसका मान हो गया 1 बाई 2 हो गया, इधर हो गया 1 बाई 2 हो गया, नीचे वाला उल्टा जाएगा दो तो चला जाएगा ऊपर और तीन का आ जाएगा नीचे, इधर भी दो चला जाएगा ऊपर की तरफ और एक बटे वा बटे में लिखते नहीं, और प्लस का क्या हो गया सी हो गया, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर है बच्चों वो सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 22वें प्रश्न की, कहीं पर भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस क्लास को एक बार रिपीट करके पूरा वापस देखें, फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना। फिर अगला जो 22वां सवाल है वो आपके सामने लिखा हुआ है, किस प्रकार से dy dx f ऑफ x बराबर 4x की पावर 3 माइनस 3 बाई x की पावर 4, अपने को क्या निकालना है बच्चों, अपने को निकालना है इसके अंदर f ऑफ 2 0 दे रखा है तो f ऑफ x निकालना है, क्या निकालना है f ऑफ x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिएगा dy dx का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था अवकलन होता है, क्या होता है बच्चों dy dx का मतलब अवकलन होता है और हम करेंगे दोनों तरफ समाकलन, समाकलन करने पर समझिएगा ध्यान से, अच्छा सवाल है, समाकलन करने पर तो इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये हो गया ठीक है, और इधर भी क्या लगा दूं बच्चों इंटीग्रेशन लगा दूं मैं 4x की पावर 3dx और माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4dx, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई कुछ नहीं किया अपन ने, समाकलन किया सर, समाकलन क्यों किया अभी आएगा आपको समझ में, देखना ध्यान से, हमें यहां से dy dx को अगर मैं हटा दूं, dy dx को यहां से हटा दूं तो क्या बचेगा f of x बचेगा, वही तो अपने को f of x की वैल्यू निकालनी है भाई, और इसके लिए अपन क्या करेंगे dy dx को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं समाकलन करते हैं, dy dx का मतलब होता है अवकलन और ये है समाकलन यानी प्रति अवकलन, तो dy dx से अगर अपन समाकलन करते हैं तो dy dx समाकलन से क्या होता है कट जाता है, यानी कि dy dx से समाकलन तो कट गया तो बच्चों क्या बचेगा f of एक्स बचेगा, बराबर में अपन ने समाकलन सभी के साथ में लगाया दोनों तरफ करना पड़ेगा है ना, इधर समाकलन लगाए तो देखिएगा आप ध्यान से, चार को बाहर ले लूं मैं एक्स की पावर थ्री डी एक्स और माइनस, इधर भी तीन को बाहर ले लूं मैं और इधर क्या आ जाएगा
वन बाई एक्स की पावर फोर डी एक्स हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाऊं अगर बच्चों में, इसको अगर ऊपर ले जाऊं मैं तो क्या बनेगा, थ्री एक्स की पावर थ्री डी एक्स माइनस थ्री और एक्स की पावर माइनस फोर डी एक्स हो जाएगा बच्चों। ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब इसका कर देता इधर समाकलन, इधर ये चलता जाएगा वैसा का वैसा ही, एफ ऑफ एक्स और चार एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था समाकलन में, एक्स की पावर एन प्लस वन और नीचे भी एन प्लस वन और माइनस थ्री एक्स की पावर एन, एन का मान माइनस चार है, प्लस वन और इधर भी माइनस चार और ये प्लस वन और प्लस में क्या आएगा बच्चों, सी आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू चार के तो चार डॉट एक्स की पावर कितनी है फोर हो जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा भाई फोर माइनस थ्री और एक्स की पावर चार में से एक या तीन और बड़ी संख्या माइनस की, नीचे भी माइनस का तीन, ये देखो तीन से तो तीन कट गया भाई और चार से चार कट गया तो क्या बचा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर फोर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ये प्लस हो गया और एक्स की पावर, ये जो एक्स की पावर माइनस थ्री इसको कहां ले जाऊं मैं बटेवा में, तो एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस हट जाएगा यहां से और ये प्लस का क्या आ गया सी आ गया, जो माइनस थ्री था ना वो नीचे चला गया तो प्लस का हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा वन लिखा और प्लस में सी चल गया। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो एफ ऑफ टू, एफ टू यानी एक्स का मान कितना रखे अपन दो पर, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो आप, एफ ऑफ टू बनेगा नहीं बनेगा, एफ और एक्स की जगह रखा अपन ने दो रखा बराबर में, बराबर दो की घात चार यानी कि ये लिखा दो की घात चार प्लस एक बटे दो की घात चार और प्लस का मान सी है, दो की घात सॉरी यहाँ पे तीन चल रही है भैया ना। एफ ऑफ टू का मान कितना है बच्चों जीरो दे रखा है तो एफ ऑफ टू की जगह क्या लिखेंगे अपन जीरो और बराबर में दो की घात चार, दो इंटू दो चार, चार इंटू दो आठ, आठ इंटू दो कितना हो जाएगा भाई सोलह हो जाएगा और फिर प्लस ये हो जाएगा इधर वन बाई टू फोर और ये हो गया एट और प्लस ये हो गया सी हो गया। ठीक है आगे बढ़ते इसका एलसीएम ले लेते यहीं पे भाई, जीरो और सोलह प्लस इसके बटे में कुछ नहीं एक मान लेते हैं ना और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, जीरो बराबर आठ और सोलह इंटू आठ प्लस एक इंटू एक और प्लस सी। यहां तक आया क्या समझ में, फिर आगे समझे अपन, डी बाई डी एक्स एफ ओफ एक्स बराबर फोर एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री बाई एक्स की पावर फोर दे रखा था, डी बाई डी एक्स को हटा ले तो एफ ओफ एक्स आ जाएगा, हटाने के लिए इसको हटाने के लिए क्या करते हैं समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं तो दोनों तरफ समाकलन का साइन लगा दिया अपन ने इधर भी और उधर भी सबके साथ में, डी एक्स डी वाई डी एक्स से समाकलन कर जाता तो कट गया एफ ऑफ एक्स बच गया, इधर ये बचा चार को आगे ले लिया, इधर नीचे चार को आगे ले तीन को आगे ले लिया और वन बाई एक्स की पावर फोर कर दिया, इधर वैसा का वैसा ही लिखा इसको ऊपर ले गए तो घात किसकी होगी बच्चों माइनस की होगी, इधर वैसा का वैसा ही है इधर चार का चार है एक्स की पावर थ्री वाले को समाकलन में कन्वर्ट कर दिया समाकलन कर दिया इसका, यहां तक आ गया फिर अपन ने फिर इसको काट के नीचे ले आए वापस तो ये तो आ गया, फिर एक्स बराबर दो रखा तो एफ और एक्स की जगह दो एफ ऑफ टू बराबर बराबर टू की पावर फोर और प्लस वन बाई टू की पावर थ्री प्लस सी हो गया ये, फिर अपन ने इसको सोल्व कर लिया आ गया एफ ऑफ टू का मान सवाल में जीरो दे रखा तो जीरो लिखा, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन अभी ऊपर से मिटा दूं मैं भाई। चलिए आगे बढ़ते फिर, बहुत ही इजी और आसान सवाल है फिलहाल तो, 7.1 अपन ने बड़े अच्छे और आराम वाले तरीके से कर लिए। कोई भाई कह रहा था प्रियांशु के भाई सर समाकलन वाला चैप्टर बहुत ही हार्ड लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जीरो बराबर सोलह इंटू आठ कितना हो जाएगा अड़चास के आठ हासिल का चार और ये आठ और एक सौ अट्ठाईस प्लस एक और बटेवा में आठ और प्लस का सी, ये हो गया एक सौ उनतीस और बटेवा में आठ प्लस सी, सी का मान निकालना तो इसको इधर भेज दे तो माइनस का एक सौ उनतीस बटेवा आठ और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों सी आएगा नहीं आएगा बताओ, जोड़ लिया दोनों को फिर इसको इधर भेज दिया माइनस का हो गया बराबर में सी बच गया, इसमें वापस मान रख दे कौन से वाले में इसमें रख देते हैं मान वापस, अतः एफ ओ एक्स बराबर एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर थ्री और प्लस सी, सी का मान है माइनस का एक सौ उनतीस और बटे में क्या है आठ, ये अपना क्या हो चुका बच्चों एफ ऑफ एक्स हो चुका है जो कि हमारा ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है भाई ऑप्शन नंबर जो है ए के अंदर मिल रहा है। तो ये अपना जो 7.1 जो चैप्टर है बच्चों बड़े अच्छे वाले तरीके से मैंने खत्म कर दिया है, आप पहली बार अगर क्लास को देख रहे हैं तो जाकर प्ले ऐसा आज मैथमेटिक्स के चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट का ऑप्शन सर्च करें और उसके अंदर आपको जो है अपने 7.1 के सारे प्रश्न जो है समाकलन के मिल जाएंगे। कोशिश रहेगी अगला 7.2 चैप्टर बहुत ही जल्द आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर देखें और क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम।